ये क्या बात है ये अच्छा, <laughs> ये क्यूट पिक्चर ये ये हाँ जी हम आ, मैं और आ, आ, मेरे भाई गए थे आ, हमारे पापा को बर्थडे विश करने गए थे हम आ, तो उनको तो बहुत एम्बेस फील हो ये क्या कर रहे हो मीडिया के सामने मुझे चुपमा <laughs> दे रहे हो हमने नहीं पापा बनता है आपका बर्थडे अब हम आपका हम, हम आपको चुम्मा देंगे और देते रहेंगे हर साल <laughs> लेकिन ये ये ये, ये बहुत स्पेशल मोमेंट था ये भी आ, वो बहुत खुश हुए कि हम दोनों आए और, और उन्हें एक्चुअली सरप्राइज दिया था उन, उन उनको हम हम दोनों ने और आई थिंक मीडिया भी पहुंच गई थी वहां पर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा वेलकम टू तो नशा फोटो स्टूडियो और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के चाहिए थे प्रतीक बब्बर प्रतीक सबसे पहले तो कुछ फोटोज है जैसे मैंने आपको बताया उससे आपकी जो भी मेमोरीज होगी प्लीज डू शेयर विद अस और पहले फोटो देख लीजिए उसके बाद बताइए वक्त कैसे गुजरता यार कभी समझ नहीं आता है यू नो कितने जल्दी गुजरता है सो आ... so, ये ये जाने तू के वक्त का था 2008 या दिल्ली बैली के लिए था ये, ये सर ये ब्रदर धोबी घाट के वक्त था एक्चुअली ओके okay. इस आ, ये धोबी घाट के प्रमोशन हम लोग ने जस्ट किक ऑफ किए थे और आमिर सर के साथ हम लोग गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ प्रेस आमिर सर के, सा, के साथ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किरण मैम के साथ Uh, सब साथ में गए थे और uh, ये, uh, ये 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 आई थिंक ये ये पूरी जर्नी इस फिल्म की बहुत ही प्रेस और स्पेशल रही है मेरे लिए uh, बम्बई में शुरू हुई थी और uh, हम हम फिल्म कनाडा टोरंटो लेके गए थे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टिफ में वहां पे ओपनिंग हुई थी तो uh, Uh, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा ये ये यहाँ तो हम लोग यहाँ तो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था मुंबई में सर uh, ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था आमिर सर ने और uh, मैं बहुत नर्वस था मुझे याद है और uh, लेकिन आई मीन ही वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट जेंटलमैन यू नो ही उन्होंने लिटरली मेरे हाथ मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर यू uh, नो you know, uh, uh, सब जगह लेके जाते थे मुझे तो मैं बच्चा भी था बच्चा भी था तो आई गेस वो एक नर्वसनेस थी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ uh, मैं बहुत नर्वस था लेकिन uh, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ uh, लेकिन ये ये दिन स्पेसिफिकली मुझे याद है uh, सर ने गाड़ी खुद चलाई थी आमिर सर ने तो ये सारा हम लोग ने हम लोग ने खत्म किया प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह मीडिया से बात करनी करके हम लोग निकले और फिर उनकी गाड़ी आई और उन्होंने अपने ड्राइवर जी को बोला नहीं हम खुद चलाएंगे और फिर मुझे बोला तू आगे बैठ तो हम लोग साथ में आ, हम लोग ने गाड़ी चलाई साथ में मैं उनके पैसेंजर सीट में था और उन्होंने खुद गाड़ी चलाई कि ये, ये यार मुझे कुछ याद नहीं इस चीज के बारे में <laughs> इट इज इट इज मैं उस वक्त तो यार में I mean उस इतने छोटे में तो कुछ याद रहता नहीं है आ, ना बोल पाते हैं ना, ना ना कुछ याद रहता है लेकिन आ, ये आ, मेरे पापा आ, आ, मैं मेरे पापा के गोद में खेल रहा हूँ ये ये मेरी आ, आ, हमारे जहाँ पर मैं, मैं पैदा हुआ था वसंत बिल्डिंग में okay. ये ये काटर रोड के पास थोड़े ऑफ है जहां शाहरुख खान सर रहते थे आ, वो एक बिल्डिंग का नाम है भूल गया हूँ उसी के ऑपोजिट ये बिल्डिंग थी जहां पे मैं अच्छा। पैदा हुआ था आ, तो ये उस घर की आ, उस घर की फोटोग्राफ है या जहाँ पे मैं मेरे पापा जी की गोद में खेल रहा हूँ ये 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 क्या बात है <laughs> पिक्चर ये, ये जी हम आ, मैं और आ, मेरे भाई गए थे आ, हमारे पापा को बर्थडे विश करने गए थे हम आ, तो उनको तो बहुत एम्बेस्ट फील हो ये क्या कर रहे हो मीडिया के सामने मुझे चुपमा दे रहे हो नहीं पापा बनता है आपका बर्थडे अब हम आपका हम, 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 हम आपको चुम्मा देंगे और देते रहेंगे हर साल तो <laughs> लेकिन आ, ये, ये ये, ये बहुत स्पेशल मोमेंट था ये भी आ, वो बहुत खुश हुए कि हम दोनों आए और, और उन्हें एक्चुअली सरप्राइज दिया था उन, उन उनको हम, हम दोनों ने और आई थिंक मीडिया भी पहुंच गई थी वहां पर विच आर योर फेवरेट टॉप फिल्म ऑफ राज्य प्रेम गीत वाह wow. फोटो से छू लो तुम उफ, 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 वो गाना और 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 पापा जस्ट सो प्रेम गीत फिर uh, वारिस hmm, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम यस yes, ये मेरे कजन है ये मेरे फर्स्ट कजन है Uh, मैं और वो हम दोनों काफ़ी क्लोज हैं अभी काफ़ी क्लोज हैं ये okay. मैं शायद पाँच छः साल का था और हम uh, मेरे नाना नानी के घर थे और uh, मस्ती कर रहे थे आई थिंक और ये फोटो ले लिया ये ही मेरा कजिन ही इज एक्चुअली मिस्टर राम जेतमलानी इज ग्रैंड सन ही इन न्यूयॉर्क ही या वेरी वेरी हार्ड वर्किंग

मेरी असली माँ यही है इनके साथ मैं पला बड़ा हूँ नानी और नाना के साथ मेरे असले मैं always कहता हूं, मेरे असली माँ बाप मेरे नाना नानी है आ, ये सारे मोमेंट्स और, और वो वक्त बहुत ही स्पेशल था बहुत ही मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी लकी मानता हूँ लकी समझता हूँ क्योंकि मैंने इतने साल मुझे नाना नानी का प्यार मिला है मैं पला बड़ा हूँ वो 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 अलग प्यार होता है यू नो इवन दो जनरेशन गैप होती है और एक दूसरे को समझ नहीं पाते लेकिन जो प्यार होता है वो इट्स इट्स एज 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 क्लोज टू गॉड इफ आई से यू नो आपने मम्मी की बात की मम्मी की फिल्मों के बारे में आई रिमेम्बर जब मैंने आपका फर्स्ट इंटरव्यू दिल uh, जब धोबीघाट के वक्त लिया था तब हमने इस पे डिस्कशन किया था बट आज जानना चाहूंगा विद अगेन यू नो टेन इयर्स गॉन इन द इंडस्ट्री नाउ यू अंडरस्टैंड किस तरह से एक्टिंग क्या होता है एक फिल्म्स कैसे होती क्या होती इतनी डिटेल में तो आपकी टॉप फिल्म में कौन सी है आई मीन देयर इज अ ह्यूज लिस्ट बट स्टिल भूमिका आह उफ क्या फिल्म्स हुज वंस या फिल्मी यार उफ अब भी अब भी भी अब भी तौर और वक्त से कितने आगे है अपने वक्त से कितने आगे हैं वो फिल्म यू नो आई थिंक श्याम बेनेगल जी और गोविंद वो, वो यार वो कुछ वो अलग जादू था वो अलग जादू था यार वो, वो कुछ और, कुछ मिर्च और मसाला मसाला चक्र भूमिका यार एंड इवन यू नो स्ट्रेंजली आक्रोश जहां पे hmm. ज्यादा उनकी डायलॉग नहीं थी True. तो ज्यादा काम नहीं था लेकिन उनकी आंखें उन, 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 इतनी इम्पैक्टफुल है वो, वो थोड़ा सा उफ आई थिंक सो आई थिंक भूमिका नमक हलाल पर लाइक आइकॉनिक वन लाइक द ह्यूज एट मैसिव ब्लॉकबस्टर एट ऑफ 1982 ऑफ ब्लॉकबस्टर और जहाँ पे उन्हें कमर्शियल फिल्म्स नहीं करनी थी <laughs> लेकिन बच्चन बच्चन साहब ने अमित सर ने उन्हें कन्विंस किया कि यार तुम तुम जानती नहीं हो तुम कौन हो तुम क्या हो तुम क्या कर सकती हो एक बार एक बार चक के देख लो आप कमर्शियल फिल्म्स

और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ मैं मैं और आ, आ, हम सबको हम पूरी हिंदुस्तान को गर्व गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच हमारे हमारे सिनेमा हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसी अभिनेत्री थी हमारे अब आ, इंडियन सिनेमा के हेरिटेज में है

पर एक और ऐसी एक मैजिकल एक्ट्रेस है जिनके साथ आपकी बहुत ही कमाल की तस्वीर है जी ये ओ माय गॉड सच्चा प्रिटी पिक्चर सच्चा क्यूट वन पर रेखा मैम इज नो शॉर्ट ऑफ अ मदर टू मी मुझे मुझे तो ही दिखती है और वो मुझे भी बेटे की तरह कैसा है तू और यू नो जब भी मिलते हैं बहुत ही ज्यादा प्यार उनको आता है मेरे ऊपर मुझे भी आता है क्योंकि मुझे एक्चुअली बचपन से मुझे कहा गया था कि रेखा जी आपकी मॉम को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत करीबी और स्पेशल रिश्ता था और शायद उनकी लास्ट फिल्म रेखा जी ने डब की थी वो यस yes, वारिस में इट इज रेखा जी डबिंग यस दीवार सी थी तो आई um, फील दैट शी इज नाथिंग श्योर ऑफ अदर तुम यू नो और बहुत ही इनक्रेजिंग है बहुत बहुत आ, वो वो आ, उन्हें कैसे समझाऊ में फिक्र रहती है मेरी तो मैं मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जितना भी प्यार मुझे मिलता है यू नो you know, उनके दोस्तों से इंडस्ट्री में उनकी कॉलीग से उन, उनके चाहने वालों से बहार, uh, मैं बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ चलिए थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर सच सो मेनी फंडरफुल मेमोरीज आपने जो शेयर की और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स थैंक यू फॉर बीइंग विद अस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी